सिविल अस्पताल में इमदादी सर्विस का आगाज किया है। सिलानी वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से अस्पताल इंतजामिया को 2 फ्री एम्बुलेंसेज, व्हीलचेयर्स और स्ट्रेचर्स फ्राहम किए गए हैं, जबकि खिदमत के लिए 6 मुलाजमीन भी दिए गए हैं। मरीजों और लवाहिकीन के लिए 3 वक्त के खाने का एहतमाम भी सिलानी वेलफेयर ट्रस्ट ने अपने जिम्मा ले लिया है। एलाइड हॉस्पिटल की तरह अब इंशाल्लाह हमने सिविल हॉस्पिटल में 24 घंटे व्हीलचेयर की सहूलत इंशाल्लाह मिलेगी, 3 टाइम का खाना, सुबह नाश्ता, दोपहर को और शाम को, और इंशाल्लाह फ्री एम्बुलेंस की सहूलत भी यहाँ इंशाल्लाह मिलेगी। सिलानी वेलफेयर की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह नबी के उस्तादों साहब के सदके वसीला से और मौलाना बशीर फारूकी की ज़ेर सरपरस्ती अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले 1 साल पहले एलाइड हॉस्पिटल में काम शुरू किया था और मुख्तलिफ ब्रांचेज पूरे फैसलाबाद में बनाई थी जिनमें 30,000 बंदा कम बेश खाना खा रहा है। मैं सिलानी ट्रस्ट वेलफेयर वालों का शुक्रगुजार हूँ, उन्हें सिविल हॉस्पिटल में मरीजों की फलाह बहबूद के लिए जो इधर अपनी सर्विसेज शुरू की हैं। एमरजेंसी में हमारे पास रश ज़्यादा होने की वजह से अपील है मखीर दराज से कि वो आएँ और उधर जाकर बेड्स का कोई हमारे पास इंतजाम होना चाहिए। बाकी हम सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट वालों का तहे दिल से मशहूर हैं, शुक्रिया अदा करते हैं इनका कि इन्होंने हमारे लिए जो ये किया है, एम्बुलेंस सर्विस, फ्री एम्बुलेंस सर्विस शुरू की है, जो व्हील चेयर सर्विस, अल्लाह की रजा के लिए सारा कुछ हो रहा है। बाकी दोस्तों ने सारी इसकी तफसील बता दी आपको, तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जितना बेहतर से बेहतर हो सका इसको ज़्यादा से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। सरकारी अस्पतालों में मरीजों की बहुतात और वसाइल की कमी अपनी जगह मुसल्लम हकीकत है, लेकिन सिलानी वेलफेयर और दीगर एनजीओज की तरफ से इमदाद की फरहमी खुशाइंद भी है और काबिल तकलीद भी। कैमरामैन शहजाद मलिक के साथ हाफिज मोहम्मद अली आबिद, ए न्यूज़, फैसलाबाद।